राजस्थान 12वीं बोर्ड परीक्षा 2023 यानी 27 मार्च को क्लास 12 के होने वाला हिस्ट्री का पेपर, हिस्ट्री के पेपर के लिए आज हम एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र लेकर आए इतिहास सब्जेक्ट के लिए, जो आपके 27 मार्च को 12वीं के आरबीएससी बोर्ड इतिहास का पेपर होगा ओरिजिनल पेपर, उसमें से आपके लिए एक सैंपल पेपर ओरिजिनल पेपर जैसा ही लेकर आए, जो आपके 27 मार्च को होने वाले पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र ये साबित होगा। इस प्रश्न पत्र में से सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको 27 मार्च वाले पेपर में देखने को मिलेंगे। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपके लिए ऐसे ही तैयारी करवाते रहते, और भी सब्जेक्ट में हमने आप प्रश्न पत्र दिए थे उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिले थे। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हिस्ट्री के पेपर को संपूर्ण देखते हैं कि कौन कौन से वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए खंड अ में आपको पहला प्रश्न आएगा पेपर में, वो बहुविकल्पी वाला प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको टोटल 12 प्रश्न है वो अपशब्द वाले पूछे जाएंगे, जिसमें यहां पर पहला प्रश्न पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें किस पत्थर से बनाई गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें है वो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई थी, यहां पर आपका ऑप्शन द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि प्रभावती गुप्त किस वंश की प्रसिद्ध शासिका थी, तो किस वंश की ये प्रसिद्ध शासिका थी, तो ये वाकाटक वंश की यहां पर शासिका थी वो। नेक्स्ट तीसरा पूछ, श्लोकों की तुलना करके महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में विद्वानों का कितना समय लगा था, तो यहां पर आपके 47 वर्ष लगे थे, द ऑप्शन यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि खालसा पंथ की नींव किसने डाली थी, खालसा पंथ था जिसकी नींव किसने डाली थी, वो थे गुरु गोविंद सिंह, द ऑप्शन यहां पर राइट आंसर रहेगा इसका, गुरु गोविंद सिंह। फिर नेक्स्ट है पांचवा है, विजयनगर साम्राज्य का पहला सर्वेक्षण मानचित्र किसने तैयार किया था, तो किसने तैयार किया था ये आपके विजयनगर का, ये तैयार किया था कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने तैयार किया था, यहाँ पर आपके ऑप्शन ब राइट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट है भारत का पहला सर्वेयर जनरल है वो किससे बनाया गया था, यहाँ पर देख सकते द ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, कर्नल कॉलिन मैकेंजी को ही जनरल बनाया गया था, और जो विजयनगर साम्राज्य का पहला सर्वेक्षण मानचित्र है वो भी उन्होंने ही तैयार किया था। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको याद रखना, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। फिर नेक्स्ट आपको पूछा यहां पर है कि आईने अकबरी की रचना किसने की थी, आईने अकबरी की रचना है वो किसने की थी, तो ये की थी राइट आंसर होगा अबुल फजल ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट है मुगल काल का रजनामा किस संस्कृत ग्रंथ के अनुवाद है, तो ये कौन सा संस्कृत, ये महाभारत ग्रंथ के अनुवाद है। नेक्स्ट है बंगाल आर्मी की पौधशाला किस रियासत को कहा जाता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अवध रियासत को कहा जाता था, सौ ऑप्शन यहां पर राइट आंसर होगा इसका। फिर नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब प्रारंभ किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये 1942 में गांधी जी द्वारा आंदोलन प्रारंभ किया गया, इसका ब ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है संविधान सभा में, नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे, तो वो आपके 11 सत्र हुए थे, 11 यानी कि ब ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट आपको लास्ट 12वां अपशब्द का प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, तो इसका राइट आंसर आपके होगा कौन सा था वो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन यहां पर राइट आंसर होगा, जिन्होंने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। रेगिस्तान वाले प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का होगा, जिसमें पहली रेगिस्तान का प्रश्न पूछा है कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद खाली जगह था, यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2016 में पूछा गया था, और यहां पर कौन सा जनपद आएगा, मगध है वो शक्तिशाली महाजनपद था, 16 महाजनपदों में से मगध इसमें भरना है। नेक्स्ट है कि हिंदू धर्म की एक परंपरा वैष्णव है तो दूसरी खाली जगह है, तो कौन सी है वो दूसरी, वो है शैव, वैष्णव और शैव आपको याद रखना है, यहां पर आ जाएगा शैव परंपरा, जैसे शैव दूसरी है वो शैव है। नेक्स्ट है कि सहायक संधि खाली जगह द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी, तो कौन सी थी वो, किसने तैयार की थी, लॉर्ड वेलेजली ने यहाँ पर तैयार की थी, लॉर्ड वेलेजली यहाँ पर आ जाएगा, उसके द्वारा 1798 में तैयार की गई थी। नेक्स्ट है मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद खाली जगह में अपनी गृह भूमि वापस आए थे, तो कब आए थे, जनवरी 1915 को है वो गांधी जी वापस आ गए थे विदेश में 2 दशक रहने के बाद, यहाँ पर आ जाएगा 1915। नेक्स्ट प्रश्न है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार खाली जगह ईस्वी में लागू किया, ये 1919 ईस्वी में लागू किया था, यहाँ पर 1919 आ जाएगा आपके।
यहाँ पर तीसरा प्रश्न आता है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न। आपको कुल 12 प्रश्न दिए गए, प्रत्येक प्रश्न का अंक निर्धारित 1 रहेगा। इसमें सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार सभी प्रश्नों को देख ले। चलिए पहले प्रश्नों को देखते हैं कि भारतीय पुरातात्विक जनक किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का पुरातात्विक जनक है उससे वो किसे कहा जाता है, तो है वो है अलेक्जेंडर कनिंगम को। अलेक्जेंडर कनिंगम को भारत का पुरातात्विक जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, धर्मशास्त्रों में वर्णित नियमों के अनुसार वैश्य को कौन से कार्य करने उपेक्षित थे, तो कौन से कार्य थे, वो वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना तथा कृषि गोपालन करना और व्यापार अपेक्षित था। नेक्स्ट है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का कार्य कब व किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, तो यह आपके 1919 ईस्वी में V.H. सुखथांकर के नेतृत्व में तैयार हुआ था। नेक्स्ट है, किताब उल हिंद नामक कृति निम्नलिखित में से किसकी रचना है और ये कौन सी भाषा में लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो किताब उल हिंद है ये है अरबी भाषा में लिखी हुई है, को लिखने वाला था वो अल बिरूनी था। अल बिरूनी द्वारा रचित किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी हुई है। नेक्स्ट आपके ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2012 में आ चुका है, इस बार भी आने के चांस बहुत है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, अगर आप अजमेर की यात्रा करेंगे तो वहां पर स्थित किस सूफी संत के दरगाह की जियारत करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2015 में आ चुका है, इस बार आने का काफी चांस है, तो वो कौन सी दरगाह है वहां पर अजमेर में है, जो विश्व अजमेर में विश्व प्रसिद्ध दरगाह है शेख मोहिनुद्दीन चिश्ती की, वहां पर आप जाने की जियारत करेंगे, तो अजमेर के जो सूफी संत है शेख मोहिनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आप जाना जियारत करेंगे। नेक्स्ट है कि हम्पी नाम का आविर्भाव को किस स्थानीय देवी के नाम से हुआ था, तो किस स्थानीय देवी के नाम से हुआ था, तो वो थी आपके पंपा देवी के नाम से, पंपा देवी आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा क्यों और किसने बनवाया था, ये अकबर द्वारा गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में बनाया गया था फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में कौन सा किला बनवाया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनवाया था, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मुस्लिम राज्य की मांग किसने की थी, मांग करने वाला तो वो था कवि मोहम्मद इकबाल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तैयार करना है। नेक्स्ट है कि 1971 में बंगाली मुसलमानों द्वारा पाकिस्तान से अलग होने का फैसला लेकर मोहम्मद जिन्ना के किस सिद्धांत को नकार दिया गया था, तो वो कौन सा सिद्धांत था, वो था द्विराष्ट्र सिद्धांत, जो मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया गया था, द्विराष्ट्र सिद्धांत आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी क्रांतियों का हवाला देते हुए संविधान निर्माण के इतिहास को ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा सिद्ध किया, तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति ऐतिहासिक संघर्ष को सिद्ध किया। नेक्स्ट यहाँ पर है, संविधान सभा के किस सदस्यों को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्य का साया दिखाई देता था, तो वो था सोमनाथ लाहिड़ी दिखाई देता था। बात आई जिसमें लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे गए, प्रश्न का अंक 2 निर्धारित किया गया, जिसमें 14 प्रश्न है कि महाभारत की भाषा एवं विषय वस्तु पर टिप्पणी लिखनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महाभारत की भाषा और उसकी विषय वस्तु पर टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट है, चांसी कनखेड़ा की इमारतों की खोज में अलेक्जेंडर कनिंगम के योगदान का उल्लेख करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो चांसी कनखेड़ा की इमारतें थी उनको खोज कर अलेक्जेंडर कनिंगम का क्या योगदान था, उसको आपको उल्लेख करना है। नेक्स्ट है, प्रथम समसहस्राब्दी ईसा पूर्व का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता, व्याख्या करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है कि जैन दर्शन के महत्वपूर्ण अवधारणाएं क्या है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2015 में पूछा गया था ये प्रश्न, इस बार आने की काफी चांस है, तो जैन धर्म के महत्वपूर्ण अवधारणाएं क्या है उसका उल्लेख करना है आपको। नेक्स्ट है कि किताब उल हिंद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर आपके नवा प्रश्न है कि फ्रांसवा बर्नियर ने पूर्व एवं पश्चिम की तुलना किस प्रकार की, और ये भी इम्पोर्टेंट है। और दसवा है, कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने किस रूप में प्रसिद्धि हासिल की थी, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके। और ग्यारहवा है, 16वीं एवं 17वीं सदी के आरंभ में कृषि समाज के इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा।
बारवाए अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया? अकबर का जो शासनकाल था उसमें भूमियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर आपके 13वां है कि मुगलकालीन प्रांतीय प्रशासन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। मुगलकालीन प्रांतीय जो प्रशासन पर प्रशासन था उस पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। और 14वां है, इस्तमरारी बंदोबस्त से आप क्या समझते हो और यह बंदोबस्त सर्वप्रथम कब तथा कहां पर लागू किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस्तमरारी बंदोबस्त, इसके बारे में आपको बताना। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है कि जोतदारों की स्थिति क्या थी, वे जमींदारों से किस प्रकार प्रभावशाली होते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। 16वां है, आपके अनुसार भारत विभाजन के लिए कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपके आने का बहुत चांस है इस बार। आपके खंड से आता है जिसमें आपको दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पूछे गए, प्रत्येक प्रश्न का अंक 3 निर्धारित किया गया है। जिसमें 17वां प्रश्न पूछा है कि मौर्य काल में सैनिक गतिविधियों के संचालन का उल्लेख करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 18वां है, भक्ति आंदोलन में महान और लघु परंपराओं पर टिप्पणी लिखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 19वां है, 1857 के विद्रोह ने किस प्रकार वैधता हासिल कर ली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 20वां है, आप कैसे कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में भारतीय शहरों के स्वरूप में परिवर्तन का एक नया चरण प्रारंभ हुआ? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 में ये पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। फिर आपके खंड द आता है निबंधात्मक प्रश्न, जिसका प्रत्येक प्रश्न का अंक 4 निर्धारित किया गया है। इसमें 21वां वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस चैप्टर से आपका 4 नंबर का बड़ा प्रश्न फिक्स है अथवा में पूछा जाएगा, तो आप 4 नंबर के जितने भी इससे बड़े प्रश्न बनते हैं वो तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है प्रश्न 21वां है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताओं का वर्णन करना है। नगर नियोजन की क्या विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता में, संपूर्ण उसका वर्णन करना है। अगर ये ना करो तो इसके अथवा में हड़प्पाई शहरों की सबसे अनोखी विशेषताओं नियोजन जल निकास प्रणाली की व्याख्या करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके। आपके 22वां प्रश्न है कि 1919 तक महात्मा गांधी ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभर चुके थे जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी, उदाहरण सहित कथनों को स्पष्ट करना है, कथनों को सिद्ध करना है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023 में यह प्रश्न आ चुका था, इस बार आने के काफी ज्यादा चांस है, तो इस प्रश्न को एक बार जरूर तैयार करें। अथवा में पूछा गया है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के कारणों व आंदोलन के कार्यक्रमों की विवेचना करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे और आंदोलनों के कार्यक्रमों की विवेचना करनी है, 2012 में यह आया था प्रश्न, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद आपका जो 23वां क्वेश्चन था ये मानचित्र वाला आता है, जिसमें आपको 23वां है कि ऐतिहासिक स्थलों को अंकित करना, जिसमें धोलावीरा, मथुरा, बंबई, चंपारण, कोट दीजी, तो ये आपको अंकित करना, इसके अथवा में भी आपको अंकित करना। अगर ये ऊपर वाला सही लगे तो वो करो, नीचे वाला सही लगे तो वो करो। जिसमें पूछा है कालीबंगा, पाटलिपुत्र, इलाहाबाद, दिल्ली और पांचाल, तो इन सभी स्थानों को आप भारत के नक्शे में अंकित कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये पूरा राजस्थान 12वीं बोर्ड परीक्षा 2023 इतिहास विषय का ये प्रश्न पत्र था, जो हमने आपको पूरा संपूर्ण प्रश्न पत्र आपको बता दिया है। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से इसका पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें शामिल है, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें और पूरा प्रश्न पत्र आप जरूर पढ़कर जाए। आंसर सहित हम आपको इसका पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा देंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए हम और भी ऐसे इतिहास के मॉडल पेपर लेकर आएंगे ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छे से अच्छे मजबूत हो जाए इतिहास विषय के लिए। तो आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।